बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जोया गोट फार्म। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ब्रीडर बकरा कैसा होना चाहिए फार्म पर रखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ए प्लस क्वालिटी का ये जानवर है और ये जोया गोट फार्म का ब्रीडर है, माशाल्लाह प्योर मक्खी चीना। दोस्तों ब्रीडर की हाइट 43 है और इसकी जो लेंथ है वो 65 है और ये ए प्लस क्वालिटी का जानवर है। दोस्तों अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके पास जो ब्रीडर हो वो एक अच्छी ब्लड लाइन से हो, एक पेडिग्री ब्रीडर हो, ताकि जिसके आने वाले बच्चे आपके पास खूबसूरत और कद आवर आएँ, जिनको सेल करने में आपको कोई भी दुश्वारी पेश ना हो। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और एक्सट्रीम क्वालिटी में है। दोस्तों ब्रीडर का खूबसूरत होना, ब्रीडर का क्वालिटी पे होना बहुत लाजमी है। बहुत से लोग बकरी 1 लाख की ले लेते हैं लेकिन उनके पास ब्रीडर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अच्छे बच्चे बकरी पैदा करे, लेकिन बकरी अच्छे बच्चे पैदा नहीं करती। उसमें उनकी जो मिस्टेक है ब्रीडर का अच्छा ना होना है। इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे गोट फार्मिंग में कामयाबी का जो राज है ब्रीडर के हवाले से, ब्रीडर आपके पास अच्छा होना चाहिए। ब्रीडर एक अच्छी एक्सट्रीम क्वालिटी का होगा तो आपके पास जो न्यू जनरेशन होगी वो अच्छी आएगी। दोस्तों नस्ल बनाने के लिए ब्रीडर का होना बहुत लाजमी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि आपके पास जानवर फॉर सेल हैं या नहीं। दोस्तों माशाल्लाह ये शौक वाले जानवर हैं, अगर कोई भाई शौक से लेना चाहता है तो ये जानवर अवेलेबल हैं। माशाल्लाह क्वालिटी आपके सामने है। जोया गोट फार्म बावलपुर में वाकया है। इस फार्म के जो ऑनर हैं वो यूसुफ जोया साहब हैं। इस फार्म पे 100+ गोट्स मौजूद हैं और सारी की सारी माशाल्लाह प्योर मक्की चीनी ब्रीड है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलें। इस तरह के जानवर हम आपको दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये एक नायाब नस्ल है, ये प्योर क्वालिटी में है, ओरिजिनल ब्लड लाइन है, होम ब्रीड है। ऐसी ब्रीड पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती है। माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़रूर कहा करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो तो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।